पूरा करते हैं। साथियों, आज ये जो हुंकार रैली संसद मार्ग से अंबेडकर भवन तक आया है, ये हुंकार रैली ये कहने के लिए आया है कि मोदी जी खबरदार, खबरदार, अगर इस देश के वंचित तबकों से शिक्षा छीनेंगे तो हम सब लोग जगह जगह से, गांव गांव से, विश्वविद्यालयों से, कस्बों से, संसद मार्ग से चल के अंबेडकर भवन पे आके ये बोलेंगे, खबरदार, अगर आपने हमसे शिक्षा छीनने की कोशिश की। हम इस बात को बोलेंगे, खबरदार, अगर आपने हमसे हमारा संविधान छीनने की कोशिश की। साथियों, हम नहीं भूले हैं, हम नहीं भूले हैं रोहित पिमुला को, हम नहीं भूले हैं हमारे साथी नजीब को, और हम इस सरकार को भी नहीं भूलने देंगे। हमने देखा हर एक फरवरी के अंदर बीजेपी सरकार ने हम लोगों पे, हम लोगों के आंदोलन पे सिर्फ हमला किया है। हमने देखा था 9 फरवरी जब जेएनयू के अंदर हमारे साथियों के ऊपर सिडिशन का चार्ज लगाया गया। उसके बाद हमने देखा था अगला फरवरी जब मेरे विश्वविद्यालय के अंदर, रामजस कॉलेज के अंदर छात्रों के ऊपर और शिक्षकों के ऊपर आपके विद्यार्थी परिषद ने किस तरह से पत्थर मारे थे, हम नहीं भूले हैं, हम नहीं भूले हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे साथी रोहित बेमुला को आपने देशद्रोही करार कर दिया और उनकी हत्या आपकी वजह से हुई, हम नहीं भूले हैं। लेकिन साथियों, आज फिर से इसी फरवरी के अंदर जब देश के और विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर फिर से मुस्लिम होने के चलते उन लोगों के ऊपर हमला है, तो हम सरकार को बोलना चाहते हैं, ये फरवरी छात्रों ने, नौजवानों ने और शिक्षकों ने ठान लिया है, ये फरवरी आपकी सरकार में, आपकी ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा, यही फरवरी, ये हमने ठान लिया है। हमने आज यहां अंबेडकर भवन पे मार्च करके इस बात को बोला है कि इस देश का नौजवान और इस देश का युवा बाबा साहेब के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएगा, इस देश का युवा बाबा साहेब के जो शिक्षा का वादा था, संविधान का वादा था, उसको इस देश में लागू करेगा, और आपका कोई भी 13 पॉइंट रोस्टर हो या 10% जो उच्च अपर कास्ट को जो आप आरक्षण देने का सोचे हैं, ये देश का छात्र उसको नहीं होने देगा, यही ये फरवरी में हमने ऐलान किया है, और इस बात को हम आखिरी में बोलेंगे, ये आपकी सरकार का आखिरी फरवरी होगा, ये इस देश के छात्र, नौजवान और शिक्षकों ने दिखाया है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगी यही बोलते हुए कि हमने 7 फरवरी को भी एक मार्च किया था, हम आज भी मार्च कर रहे हैं, कल भी मार्च करेंगे, और हम तब तक ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक इस सरकार को
हम यहाँ से मई के अंदर बाहर नहीं कर देते, यही इस देश के नौजवानों का आपसे वादा है। शुक्रिया इनकलाब, जिंदाबाद।